हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और दिसंबर शुरू होते होते ही सर्दी काफ़ी तेज़ हो जाती है। और आप जैसे कि देख रहे हैं, आज जो मैं अपने टेरेस पे काम करने जा रही हूँ वो मैं इन मनी प्लांट की जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उनके साथ काम करने जा रही हूँ। और मैं बताऊँगी कि आने वाली सर्दी के लिए हम अपने मनी प्लांट को किस तरीके से तैयार करेंगे। और जैसे कि सर्दी आती है, मौसम चेंज होता है, तो चेंजिंग मौसम हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है, उसी तरीके से चेंजिंग मौसम हमारे प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि हम अपने प्लांट्स को भी आने वाले मौसम के लिए प्रिपेयर करें, ताकि जो है हमारे प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिशों के बाद सितंबर अक्टूबर तक हमारे जो मनी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए, जैसे कि मेरी मनी प्लांट की ये जो बास्केट्स हैं, ये कितनी लंबी लंबी मनी प्लांट की टहनियाँ आ गई हैं। अभी इनको मैं एक बार ही ट्रिम भी कर चुकी हूँ। ये जो मेरी मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट्स, इनकी जो ग्रोथ लगभग इतनी हो चुकी थी, ये मेरे टेरेस के फ्लोर को टच कर रही थी। अभी इनमें एक बार ही मैं कटिंग भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब नवंबर ख़त्म होते होते आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी लीव शेडिंग हो रही है और इसमें जो पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो गई हैं। और अगर अब हम इनको एक प्रॉपर केयर नहीं देते, तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरे मनी प्लांट में लेगी ब्रांचेस आ रही हैं, तो जनवरी ख़त्म होते होते इनमें सिर्फ ब्रांचेस रह जाएंगी, पत्तियाँ जो है सारी सड़के झड़ जाएंगी। तो इस समय जो दिसंबर शुरू होने से पहले पहले थोड़ा सा हमें अपने मनी प्लांट को ठीक ठाक करना है, ताकि आने वाली सर्दी में, यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक, जो हमारा मनी प्लांट बहुत अच्छे से निकल जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि अपने टेरेस के ये जो हैंगिंग बास्केट्स में जो भी मेरे मनी प्लांट हैं, इनको मैं कैसे ठीक करूंगी। ये मेरे जो इनडोर में शेड के अंदर काफ़ी सारे मनी प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनमें सब में मनी प्लांट ही लगे हुए हैं और ये सभी मनी प्लांट सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये सारे मनी प्लांट मैंने नीचे उतार लिए हैं और ये कितने बुशी और कितने इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं। इन सभी ब्रांचेस को काटना जरूरी है, क्योंकि ऊपर से ये देखिए मेरा प्लांट जैसे कैसे खाली खाली हो रहा है और इसमें सारी जो है लीव्स जो हैं सड़ रही हैं। तो सबसे पहले अब मैं इनकी कटिंग करना शुरू करूंगी और जो भी मेरे पॉट में चढ़े हुए पत्ते हैं वो सब मैं निकाल दूंगी। अब इनमें जैसे जब मैं कटिंग करूंगी तो मेरे को बस इतना इसमें कटिंग करनी है, जो बास्केट का जो ऊपर का है वो पूरा कवर है, और उसके अलावा जितनी भी ये हैंगिंग ब्रांचेस हैं सबको मैं पूरा कट कर दूंगी, ताकि जो प्लांट में बिल्कुल एक जैसी लुक आए, कहीं कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी मेरे को कटिंग करनी है उसमें बिल्कुल एक जैसी कटिंग करनी है अपनी हैंगिंग बास्केट के चारों तरफ। अब कटिंग करने के बाद इसके साथ साथ जो है मैंने इसमें जितने भी येलो लीव्स हैं या डेड लीव्स हैं उन सभी को मैंने हटा लेना है, क्योंकि अगर हम अपने प्लांट से येलो लीव्स को नहीं हटाते तो जो हमारा प्लांट होता है एक बहुत ही डेड लुक देता है। अपने प्लांट को एक फ्रेश लुक देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो प्लांट है वो हमेशा हरा दिखे। तो उसको हरा दिखाने के लिए जितनी भी उसमें हमें डेड या ब्राउन लीव्स होती हैं या जो भी डेड ब्रांचेस हैं जिन पे लीव्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, वो सब हमने हटा लेनी है, क्योंकि जितना हम अपने प्लांट को प्रून करते हैं उतनी उस प्लांट में ग्रोथ बढ़ती है, उतनी बुशी उसमें ग्रोथ होती है। अभी देखिए, इस प्लांट में जो जितनी भी ब्रांचेस थी इनमें नीचे तो ग्रोथ थी, लेकिन ऊपर बिल्कुल एकदम लैगी ब्रांचेस थी, इनमें बिल्कुल भी लीव्स नहीं थी। ऐसे काट के बिल्कुल एकदम मैंने प्लांट को गंजा कर दिया और देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन 10-15 दिन में इस प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। जो सारी जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग करी है वहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट मेरा एकदम से बुशी लगेगा और ये एकदम बिल्कुल प्लांट मेरा साफ़ सुथरा लग रहा है। इसमें हमने कोई भी येलो लीव नहीं छोड़नी। तो इसी तरह एक एक करके मैं अपने सारे प्लांट्स की कटिंग कर लूँगी, जितने भी इसमें ब्रांचेज हैं इन सब की कटिंग कर लूँगी। अब जैसे कि देख रहे हैं, कटिंग का काम, प्रूनिंग का काम मेरा हो गया है और मेरे जो प्लांट्स एकदम अब फ्रेश लग रहे हैं।
और इनमें जितनी भी जो डेड लीव्स थी या जो लेगी ब्रांचेस थी मैंने उन सबको कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी हार्ड प्रूनिंग करी अपने मनी प्लांट की। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया है, लेकिन आप थोड़े दिन में देख लीजिए, ये मेरे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे इनमें ग्रोथ हो जाएगी, और अब जो ग्रोथ होगी वो बहुत ग्रीन और फ्रेश होगी। तो अब नेक्स्ट जो मैं इसमें काम करूँगी, एक तो इसमें मैं गुड़ाई करके खाद डालूँगी, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ अगर मेरे जो प्लांट्स हैं वो बहुत खाली हैं तो उनमें, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पॉट में काफ़ी स्पेस है, तो इस पॉट में मैं कटिंग्स में और लगा दूँगी ताकि जो मेरे प्लांट में एकदम बुशी लुक आ जाए। तो इस तरीके से मेरा जो है जो प्लांट है वो एकदम बुशी भी हो जाएगा, और जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो पहली वाली ग्रोथ से भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब इसके बाद अगला काम जो इसमें मैं करने जा रही हूँ वो मैं इसमें मिट्टी की गुड़ाई करने जा रही हूँ। मिट्टी की गुड़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे सॉयल में एरेशन बना रहे और जो रूट्स को हवा लगती रहे, क्योंकि अगर हम काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो पानी डालने के बाद जो है जो पॉट की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसलिए जो है प्लांट में हमेशा जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसके बाद ज़रूरी है कि उसमें थोड़ा सा हम गुड़ाई कर दें, और गुड़ाई करने के बाद इसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पॉट में काफ़ी स्पेस है, तो इसमें मैं कुछ कटिंग्स भी लगा दूंगी ताकि जो मेरा प्लांट है वो थोड़ा सा बुशी हो जाए। और कटिंग्स लगाने के बाद इसमें मैं फिर फर्टिलाइज़र ऐड कर दूंगी। मैं जो आज अपने प्लांट्स में अपने मनी प्लांट में ऐड करने जा रही हूँ वो मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड करने जा रही हूँ। तो आप अगर इसमें चाहें तो आप इसमें काउडंग कंपोस्ट या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो आज मेरे पास जो है वो वर्मी कंपोस्ट है, तो मैं वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करूँगी। जैसे कि इसमें इस पॉट में काफ़ी स्पेस है तो इसमें मैं ये जो छोटी छोटी ये कटिंग्स मैं इसमें लगाती जाऊंगी मनी प्लांट। और कटिंग लगाने का हमेशा से हमारा वही तरीका है कि हर नॉट से काट के हम मनी प्लांट को इजीली लगा देते हैं। और इससे मेरा जो है प्लांट आने वाले समय में और ज़्यादा बुशी हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉट वाला एरिया होता है इस पर एरियल रूट होती है, और इसी एरियल रूट से जो हमारा प्लांट बहुत जल्दी से रूट ग्रो कर लेता है और इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। तो हमेशा मैं बताती हूँ कि जब भी हम मनी प्लांट को लगाएं तो इस नॉट वाले एरिया को कट करके इस एरिया को हमें मिट्टी में लगा देना है ताकि जो प्लांट ईजिली रूट डेवलप कर ले। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, मनी प्लांट को जब भी लगाते हैं इस तरीके से, अगर ये लंबी कटिंग है तो इस कटिंग को इस तरीके से मिट्टी में लगा देते हैं। तो मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का ये गलत तरीका है। अगर हम कटिंग से मनी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसका यही सही तरीका है कि हम नॉट से कट करें, और नॉट से कट करके उसको मिट्टी में या कोकोपीट में लगाएं। कोकोपीट में अगर लगाते हैं तो प्लांट बहुत ईजिली ग्रो आता है। तो इस तरीके से इन कटिंग्स को हम बहुत ईजिली लगा सकते हैं। इस पॉट में जितना भी मेरे को खाली स्पेस नज़र आ रहा था ऑलमोस्ट सारे खाली स्पेस में मैं कटिंग्स को मैंने लगा दिया है। और अगर इसमें सारी कटिंग्स, क्योंकि जैसे नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अगर मेरी सारी कटिंग्स नहीं भी लगती हैं तो अगर मैं कुछ कटिंग्स लगाने में भी सक्सेसफुल हो जाती हूँ तो मेरा ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। अब इसमें गुड़ाई करने के बाद और इसमें नई कटिंग्स लगाने के बाद लास्ट जो मेरे को काम करना है, हमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। तो मैं जो अपने प्लांट में ये वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ, और ऐड करके इसमें जो खाद डाल के, अब ये देखिए मेरे प्लांट में जो भी डेड जो लीव्स थी वो सब निकल गई, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस की ग्रोथ हो जाती है तो उसमें मेरे जो ये प्लांट का लीव्स का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया था, तो इसकी वजह से प्लांट उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था। तो अब जो है अब इसमें मैंने फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया, कटिंग कर दी है और इसमें नई कटिंग्स लगा दी हैं। तो अब मार्च तक के लिए मैं इस प्लांट के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। ये प्लांट जो है मेरा पूरी सर्दी मेरा बहुत अच्छे से चलेगा और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और इसके बाद फरवरी में एक बार हम इसमें फर्टिलाइज़र फिर से ऐड कर देंगे, तो फरवरी के समय में इसमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि विंटर्स में प्लांट में ग्रोथ तो होती है पर उतनी ज़्यादा अगर हम मॉनसून के कंपैरिजन देखें तो उस हिसाब से इसकी उतनी ग्रोथ नहीं होती। तो अब ये है फरवरी में जब मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी तो उस समय इस प्लांट में प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये प्लांट मेरा एकदम बुशी और एक ब्यूटीफुल लुक देगा।
अब नेक्स्ट जो काम है कि इन पौधों को अपनी जगह पे वापस मेरे को प्लेस करना है, तो इनको मैं अब दोबारा इनको वापस जो है अपने जगह पे इनको टांग दूंगी, क्योंकि ये सारी जो भी हैं ये हैंगिंग बास्केट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरे टेरेस पे ये मनी प्लांट की जो आज मैंने काम करा है, ये काम मेरा पूरा हो गया है। इनमें सब मैंने पूरी एक अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करी है, और इसके साथ साथ इनमें नई जो कटिंग्स भी लगा के इनमें मैंने फर्टिलाइजेशन करा है। अब जो विंटर्स में जो ये मेरा प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी सारी ये मनी प्लांट की कटिंग्स जो बच गई हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि इन कटिंग्स को मैं कहाँ डिस्पोज ऑफ करूँ, क्योंकि अब मैं इन कटिंग्स को नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास भी स्पेस की लिमिटेशन है। ये देखिए, पहले ही मैंने मनी प्लांट की काफ़ी कटिंग्स मैंने ग्रो करी हुई हैं। इसके अलावा और भी जगह हैं जहाँ मैंने मनी प्लांट काफ़ी लगाया हुआ है, तो मेरे पास भी स्पेस की लिमिटेशन है। तो मेरे को अब सोचना पड़ेगा कि इन कटिंग्स को मैं कहाँ डिस्पोज ऑफ करूँ। तो फ्रेंड्स, यही छोटे छोटे काम होते हैं कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों का अपने अपने गार्डन में ध्यान रखें तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमेशा ग्रीन और हेल्दी रहते हैं, और हमारा जो गार्डन है हमेशा हरा भरा रहता है। तो अपने प्लांट्स को इसी तरीके से यही छोटे छोटे काम करके हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह के गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।